रायसेन नगर में नल जल योजना को लेकर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद प्रभात राज चावला के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्षद और कांग्रेस नेता महामाया चौक में क्रमिक भूख हड़ताल और धरने पर बैठ गए हैं। क्रमिक भूख हड़ताल के दूसरे रोज भी धरना और प्रदर्शन जारी रहा। इसी अवसर पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रभात राज चावला ने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष के ढुलमुल रवैया की वजह से रायसेन शहर पिछले करीब एक महीने से जल संकट से जूझ रहा है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च करने के बाद भी रायसेन के शहरवासी पानी नहीं ले पा रहे हैं। रायसेन में जो पानी की समस्या लगभग 20 से 25 दिन पहले से रायसेन में पानी की समस्या है, उसको हेतु हम सभी रायसेन नगर पालिका के पार्षद मेरे प्रतिपक्ष मेरे नेतृत्व में कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन का इसको बिल्कुल भी जरा भी सुन नहीं है कि हम लोग 25 घंटे से भूख हड़ताल पर अन्न त्याग कर बैठे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ना ही कोई जिम्मेदारी अधिकारी का आश्वासन आया है, ना ही मिलने आए हैं।